कॉन्फ्रेंस मोशन टेबल हुआ और जब इस तरह से आज हुआ, तो वही सपोर्टर्स जो इमरान खान के हैं, दे से कि यही एक रास्ता था खान साहब के पास. जिस शख्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन मतलब के पेश की जाती है, अमलन उसका काम मतलब के उसका इख्तियार जो है वो खत्म हो जाता है. क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, गरीब फकीर हैं? वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड हैं, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है. ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं. ईवान की कार्रवाई प्रोक की जाती है. ये बिल्कुल गैर आइनी कदम है और ये इस मुल्क के लिए मतलब के बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा. मेरे इलम में तो पाकिस्तान के हिस्ट्री में 75 साल में कभी इस तरह का अमल नहीं हुआ, क्योंकि जिस शख्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मतलब के पेश की जाती है, अमलन उसका काम मतलब के उसका इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाता है जब तक कि वो एतमाद बहाल न कर ले. तो वो एतमाद, उसको यकीन था कि मुझ पर आप असम्बली में एतमाद बहाल नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने वो अमल किया जो एक आम आदमी भी नहीं करता, क्योंकि ये तो एक इंसान की बात नहीं है, ये तो एक पूरे मुल्क के माशरे की और मतलब कि पूरी दुनिया के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, तो उस पर इसका असरअंदाज होगा. तो इन्होंने मतलब कि जो अमल किया है ये बिल्कुल एक यूनिक किस्म का अमल है और मेरे ख्याल में ये बाकी मुल्कों में भी जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर आइन की बारदस्ती है, वहाँ पर किसी मुल्क में भी मैंने इस किस्म की बात नहीं सुनी. ऐसा है कि जब खान साहब ने कहा था कि मेरे पास अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और कप्तान कभी भी अपनी स्ट्रेटजी बताता नहीं है, तो किसी के जहनों को मान भी नहीं था कि इस तरह का सरप्राइज होगा. तो ये ऐसी चीज है जो जाहिर है काफी लोग, जैसे आप कह रहे हैं, लॉयर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि लोगों का रिएक्शन जो आ रहा है, कुछ घंटे हो गए जब से ये हुआ है, मैंने काफी लोगों से बात भी की है, तो मोस्टली पीपल आर सरप्राइजिंगली दे आर एक्चुअली अपलोडिंग इमरान खान एंड दे सेइंग कि ये जो, क्योंकि मसला ये है विनीत, आपको ये समझना होगा कि हमारे मुल्क में पोलराइजेशन बहुत हो गई है और डिविजन बहुत है, तो ये भी एक चीज है. तो ये जब नो कॉन्फ्रेंस मोशन टेबल हुआ और जब इस तरह से आज हुआ, तो वही सपोर्टर्स जो इमरान खान के हैं, दे से कि यही एक रास्ता था खान साहब के पास, क्योंकि वरना हम नहीं चाहते कि ये जो लोग हैं जो पास्ट में जिन्होंने मुल्क को लूटा या जिस, दैट्स हाउ दे फील अबाउट इट वेरी स्ट्रांगली. काफी मेरा डिस्कशन भी हुआ कुछ लोगों से, हमारे खानदान में कुछ ऐसे लोग हैं उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट? बट उनका ये उनकी ये फीलिंग है कि नहीं, और क्या करता इमरान खान. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है जो उन्होंने किया है. अपोजिशन जो है वो गई है, सुप्रीम कोर्ट अब गई है. सुप्रीम कोर्ट कैन विल टेक एक्शन या विल हैज टू टेक अ डिसीजन. बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि जी अच्छा, असेंबली तो रिजॉल्व हो गई, अब आगे चलो इलेक्शन कराओ, लेकिन आई थिंक देर इज अ मच मोर सीरियस मैटर है, या ज़्यादा जो है ना तशवीशनाक बात है वो ये है कि देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. जो डिप्टी स्पीकर है वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को यूं रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. मेरे ख्याल में ये मामला सॉल्व होना चाहिए फॉर गुड. इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इमरान खान चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा के दोबारा इलेक्शन में जाएं और दोबारा जो है, क्योंकि इतना क्राइसिस वो बिल्ड कर चुके हैं ये कहने कह के ये कंस्पिरेसी है उनके खिलाफ, कि उनको ये उम्मीद सी लग गई है कि अब लोग जो है उनको वोट देंगे, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ असर तो पड़ेगा उनकी इस प्रोपेगेंडा का.